नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी और मेरे साथ कैमरा पर सहयोगी हैं गोलू पंडित। इस समय हम राधा कुंड के कंठी बाजार में मौजूद हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाएंगे, ये कंठियों की दुकानें हैं यहाँ। और यहाँ इन दुकानों पर 5 रुपये से लेकर के 30,000 और 35,000 रुपये तक की कंठी मालाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कंठी माला का बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार होता है। यहाँ आपको बता दें कि इस जगह, इस गांव की आबादी, इस कस्बे की आबादी लगभग 20,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 20,000 के आसपास है। और यहाँ करीब 3 से लेकर के 4,000 तक लोग कंठी माला का रोज़गार करते हैं, यानी 3 से 4 हज़ार लोग कंठी माला बनाने में व्यस्त रहते हैं। ये अलग अलग तरीका, ये प्रोसेस है, कोई मनके बनाता है, कोई धागे बनाता है, तो कोई जो है इनको मनकों को सफाई करता है, यानी एक कंठी बनाने में बहुत सारा प्रोसेस इसमें करना होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं तरह तरह की कंठी मालाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि 25 से 30 हज़ार तक की कंठी मालाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ भाई साहब, राधे, आइए जरा थोड़ा सा आगे आइए। आप पर कितनी वैरायटी की कंठी मालाएं उपलब्ध हैं? ऐसे मान लीजिए वैरायटीज तो 500 से ऊपर ही है। 500 से ऊपर तक मतलब वैरायटी आपके पास उपलब्ध हैं। तो कंठी माला ये कहाँ से, आप कच्चा माल कहाँ से लाते हैं? सारी तुलसी की होती हैं? सारे सब तुलसी के होते हैं, और एक कच्चा माल जो होते हैं हमारी जैत और कामा से आते हैं। कहाँ से? जैत और कामा? जैत और कामा से। अच्छा, एक कच्चा खरीद के लाते हैं और ला के हम लोग जैसे हमारी डिजाइन के अनुसार बनाते हैं। तो डिजाइन के कितनी तरह की डिजाइन होती हैं? वो जो मैंने बोला आप उससे 500 से ऊपर ही अलग। तो आप यहाँ लोकल तो है नहीं शायद, राधा कुंड के बाहर से हैं? कहाँ से हैं आप? बर्धमान, कलकत्ता साइड। कोलकाता से हैं, तो वहाँ से कितने लोग आप लोग इस कारोबार को करते हैं? यहाँ पे अधिकतर बंगाली यही काम करते हैं। ज़्यादातर बंगाली जो कोलकाता से लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर यही कंठी माला का काम करते हैं। तो अभी हमने जैसा कि यहाँ लोग बता रहे थे कि महंगी महंगी कंठियाँ हैं, कितने रुपए से लेकर के कितने रुपए तक की कंठियाँ हैं? ऐसे 10 रुपए से स्टार्ट है और 50,000 तक है। 50,000 तक की है आपके पास? तो दिखाएंगे कौन सी कंठी ऐसी है। तो अभी जैसा कि दुकानदार ने बताया कि 10 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की कंठी की कीमत है। और यहाँ बहुत सारे लोग, मैंने तुमको बताया 3-4 हज़ार तक लोग जो है यहाँ इस कारोबार में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंठी मालाओं का उद्योग यहाँ किया जाता है। बहुत सारी वैरायटी इनके पास हैं, आप देख सकते हैं तमाम वैरायटी और बड़े आकर्षक। ये देखिए, देखिए कितनी बड़ी, आप देख सकते हैं ये जो है, क्या कीमत है इसकी? 25,000 कीमत है। तो भैया ये सारी तुलसी है, क्या है? तुलसी का है। तुलसी का है ये? प्योर तुलसी है? प्योर तुलसी, श्यामा तुलसी का। अच्छा, क्या कीमत बताई भाई साहब आपने अभी इसकी? 25,000। 25,000, तो ये किस काम आती है? ये मंदिर की चूड़ा में लगाने के लिए, ठाकुर जी के गेट में लगाते हैं, किसी को समाधि के ऊपर लगाने के लिए लेते हैं। तो ये लगभग कितने दिन में, एक दो बिक जाती हैं रोजाना कि नहीं? नहीं, ये महंगा वाला बहुत देर में बिकते हैं, जैसे एक महीना में एक दो बिकते हैं। तो इस कंठी को बनाने में, ये कंठी क्या है, पूरा कंठा है, इसको बनाने में कितना प्रोसेस और कितना टाइम लगता है? वैसे तो इतना मोटा में तुलसी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसको बनाने में कम से कम एक आदमी का 10 दिन से ऊपर लग जाता है। एक आदमी को 10 दिन से ऊपर लग जाता है। और चलो मार्जिन वाली बात हम नहीं पूछेंगे कितना मार्जिन है, तो 10 दिन से ऊपर एक आदमी को लग जाता है इसमें बनाने में। चलिए, और भी कंठियाँ हैं, जैसे मान लो ये बारीक वाली कंठी है, इसकी क्या कीमत है? ये आपको 50 रुपये का एक पीस है। अच्छा, और जैसे ये क्वालिटी है, ये 20 रुपये का एक है। अच्छा, तो इसको बनाने में कितना टाइम और कितना वो लगता है, कितना टाइम लगता है? ये तो देखिए, हमारे इस साइड पे जो कामा के लोग है ये ही बनाते हैं। अच्छा, कामा के साइड से आते हैं ये होलसेल में। तो अब जैसे कंठियाँ हैं, ये बहुत तरह की वैरायटीज हैं, तो आप ये काम हाथ से मैनुअल करते हैं या मशीनरी का भी कोई उपयोग करते हैं? नहीं, मशीन का बहुत सारे माला है, जो मशीन का है, मशीन का, और जो बहुत सारे हाथ का है, अधिकतर हाथ का ही है बना हुआ है। अच्छा, बहुत सारी जैसे हमने देखा था वो जो नीचे आता है,
और उसमें बड़ी डिजाइन, अच्छी अच्छी डिजाइन होती हैं, आपके पास भी होंगी, वो डिजाइन कैसे आप लोग बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं? वो भी जो डिजाइन बनती है वो तुलसी की लकड़ी की होती है कि अलग उसमें लकड़ी होती है? तुलसी का लकड़ी का बनते हैं, तुलसी की लकड़ी की बनती है। तो वो डिजाइन कैसे बनाते हैं आप? जैसे हनुमान जी बना दिए, तमाम तरह के राधा कृष्ण बना दिए, सीताराम बना दिए, आप जरा दिखाइए। एक तो ये अभी जो नया निकला है लेजर का। अच्छा, लेजर का? लेजर, इसमें भी लेजर टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है? हाँ, ये लेजर किससे बना हुआ है। अच्छा, और ये ऐसे टाइप में ये हाथ का बना हुआ है? ये किससे? हाथ से बना हुआ है, कारीगर ने बनाया। अच्छा, ऐसे जैसे ये श्री राधा, श्री राधा, राधा, सीताराम, ये सब हाथ का बना हुआ है। और जैसे ये है, जैसे श्री राधे श्याम, जैसे ये है, ये है, ये श्री राधे श्याम, ये किस तरह हाथ से? नहीं, ये लेजर का है। लेजर का है। तो और क्या खासियत है? तो लगभग आप पूरे साल में हम बात करें तो कितना कंठी माला बेच देते हो? ऐसे 10-15 लाख रुपए या कंठी माला की गिनती? हाँ, नहीं, रुपए रुपए 10-15 लाख का आप कारोबार कर लेते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और भी और दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। तो कहाँ गए? तो हमारे साथ कंठी मालाओं के एक और व्यापारी हैं, क्या नाम है सर? शैल बिहारी गोस्वामी जी, राधा कुंड कंठी माला बाजार से। राधा कुंड में कंठी माला का ज़्यादा व्यापार है, लगभग 5,000 लोगों को यहाँ रोजी रोटी चलती है कंठी माला से। कोई पोता है, कोई बनाता है, कोई राधा राधा नाम, जैसे कोई राधा राधा नाम लिखता है कंठी माला पे, कोई जैसे ये पत्री की माला है, हर तरीके की माला है, मतलब 10 रुपये से लेके 5 रुपये से लेके और मतलब 20-20, 30-30 हज़ार तक की माला है। हमने सुना है राधा कुंड की बनी कंठी मालाएं दूर दराज के देशों में भी पसंद की जाती हैं। हाँ, कोरियर द्वारा देश विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह जाती हैं। विदेशी भक्तों भी मांग, भक्तों की ज़्यादा मांग होती है तुलसी से बनी कंठी माला। हाँ, तुलसी से बनी कंठी माला, और जो बेस्ट क्वालिटी की माला है जो, वो विदेशी ज़्यादातर जाती हैं लोग। जो महंगी आप जैसे कह सकते हैं, वो क्वालिटी सब महंगी, वो सब विदेशी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्या खासियत है यहाँ की कंठी मालाओं की? कंठी माला गुरु पूर्णिमा पे कंठी का ज़्यादा वो है प्रचलन, गुरु जी की दक्षिणा, गुरु दक्षिणा लेके कंठी धारण करते हैं, और तुलसी पहनने से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जम के दूत भी पास नहीं आते हैं। तुलसी से जब स्नान करते हैं तो तुलसी का जब जल स्पर्श होता है तो जो मान लो सारे विश्व के जितने भी तीर्थ हैं सबका स्नान हमने कर लिया, ऐसा बताते हैं हमारे संत जन ब्रज के। तो आप मतलब अपने आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या लेके? खुद भी बनाते हैं, बनवाते भी हैं। आपके परिवार में से कितने लोग इस काम में लगे? हमारे परिवार में से भी 2-3 लोग लगे हुए हैं। दाल रोटी अच्छी चल जाती है? चलती है दाल रोटी। और भी हैं हमारे साथ, और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी एक दुकानदार दिखा रहे थे, बहुत अच्छी कंठा दिखा रहे थे। ये देखिए, इसमें मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देख सकते हैं इसको, मनकों को दिखाया जाए तो मनके में तरह तरह की डिजाइन आप देख सकते हैं। ये देखिए, राम लिखा हुआ है, और इधर ये डिजाइन है कुछ हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? नुपुरदास। तो ये क्या क्या खासियत है इस कंठी की? ये मतलब इसको विदेशी लोग ले जाता है तो देखने से अच्छा लगता है, ठाकुर जी को पहनाता है, महामंत्र लिखा हुआ है इसमें, वो लोग मंदिर में भी टांगता है, बड़ा बड़ा माला, भजन भी करता है कोई कोई, ऐसा चलता है। क्या कीमत है इस कंठी की? इस कंठी का कम से कम 20,000 का कीमत है। 20,000 रुपये कीमत है? इसमें कारीगरी है, हाथ का कारीगरी है सब। ये टोटल हाथ से बनाई हुई है? पूरा माला हाथ से बना हुआ है। कितना दिन लगा इसको बनाने में? ये आपको लगभग 1 महीना लग गया। 1 महीना एक आदमी को? और क्या क्या नक्काशी, क्या खास कारीगरी इसमें की गई है? कारीगरी है ना, नक्शा किया है इसमें, डिजाइन किया है, चारों तरफ डिजाइन है, दाना में इधर भी डिजाइन है, इधर भी डिजाइन है, चारों तरफ डिजाइन है। इसमें राधा कृष्ण भी बना हुआ है सुमरू में। अच्छा, कारीगरी अच्छा है इसीलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा है। ये कारीगरी आप लोग कहाँ से सीख के आते हैं? वो लोग तो उसमें तो कारीगरी थोड़ा थोड़ा देखते सीख लिया, वो लोग सब लोग करता है, हाथ का कारीगरी है सब। आपके पास कितनी वैरायटी होंगी? वैरायटी तो बहुत है, लाखों वैरायटी से।
तो अभी आपने देखा राधा कुंड का ये वो बाजार है जहाँ पर कंठी मालाओं का काम होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ कंठी मालाएं बनाई जाती हैं। और कल जो है गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के चलते खास तैयारियां कंठी मालाओं को लेकर के की गई हैं बहुत सारी, क्योंकि यहाँ राधा कुंड में मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है जो कि गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।